हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। और ये वीडियो किसके बारे में बताएं अब्दुल्ला, किसके बारे में यार? ये रफ्तार के चैनल पे है, रफ्तार की ईपी का, बारिश ईपी का है गाना। गाने का नाम है तू फिर से आना, इसमें रफ्तार के साथ है सारे मर्चेंट एंड कर्मा। तो यह एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में बोला था कि सॉन्ग पे करना, तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है, किस बारे में सॉन्ग है। कलमकार प्रेजेंट, कलमकार वीडियो बाय ब्लैक एसिड। 12-year-old walks 3-day aimed lockdown, dies just an hour from home. क्या स्टोरी है, कुछ पता नहीं, शायद रियल इंसिडेंट है। दिस नीड्स टू स्टॉप। अब समझ आई स्टोरी। जो 12 साल की जो बच्ची थी वो लॉकडाउन में बाहर निकली खाने वाने की वजह से, ना भूख की वजह से, जो उसने बताया अनाज की वजह से गई, तो उसको कुछ नहीं मिला। आठ मील चली गिर गई भूख के मारे, मतलब उसको कहीं मिली नहीं। हाँ, और वो मतलब मिली नहीं, घर पे खाना नहीं था, कि वो जल उसको मतलब जला दिया या दफना दिया, कुछ भी पता नहीं वो कहाँ है लॉकडाउन की वजह से। ये रियल स्टोरी रफ्तार का वर्स अच्छा है। अब पेट में आग लगी है भूख की, मतलब परवानी बास नहीं, पानी वर्ड प्ले किया है मतलब, और बोला है कि जवानी पास नहीं, मतलब जवान होती तो कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते ना कि बचपन में ही बच्चे जवान हो जाते हैं, कि लाइक इस तरह गए, अगर किसी का वालिद या मदर फौत हो जाए तो फिर वो बचपन में अपने छोटे बहन भाइयों को संभालते हैं, मतलब जवान बचपन उनके अंदर ज्यादा मजा आता है, उनको उनके अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना होता है, उनको पालना होता है, उनको बड़ा करना होता है। अच्छा वर्ड ये पाकिस्तान में भी होता है, मतलब अगर कोई हादसा हो जाए, कोई चीज हो जाए तो उसको पैसे देने पहुंच जाते हैं। यार जैसे अभी मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा या कोई बड़ा मर गया, तो हम सोचो कैसे कराते हैं, किसी को क्यों बोले हम अपने ऊपर। अब हम लोगों से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई हमारी वजह से, तो हम अपने आप को साफ करने के लिए हम उसके घर पैसे देने पहुंच जाएंगे कि यार ये पैसे ले लो, बात खत्म करो, तो इसलिए कर्मा बोल रहे हैं कि
एक मौत पे अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 16 मौतें एक घर में होगी, 16 मौतें होंगी घर में, और पीछे एक बंदा बच रहा है उसको आप 16 लाख दे रहे हो तो वो 16 लाख में खुश हो जाएगा, जो 16 जाने चलेगी उनका क्या होगा? Footsteps को मालूम है। आवाज ये आजाद। रफ्तार का मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सॉन्ग सुना है जिसमें मुझे लगा गया ना कि वो किसी ऐसी चीज के बारे में। नहीं और भी मैंने मैंने पहले सुने हैं, मतलब अच्छा आर्टिस्ट है, पुश करता है अगले आर्टिस्ट को, आवाज उठाता है, मतलब आपका आपका ये काम है, अगर आप फेमस हो तो आप इस तरह के मुद्दों पे बात उठा सकते हो। ये चीज अभी जैसे इसने पॉवर्टी पे उठाया कि एक लड़की लॉकडाउन में खाने की वजह से बाहर गई और वो वापस नहीं आई, ऐसा हुआ हमारे यहाँ, हुआ आपके इंडिया में भी हुआ होगा, हमारे ये इंडिया के लिए हमारे यहाँ हुआ, पर किसी को क्या पता, किसी क्या पता, किसी को नहीं, इस तरह इस बात पे बात उठाने के लिए कोई भी नहीं है। और इंडिया में जैसे आप लोगों को खबर पहुंची, आप लोगों ने इस पे बनाया एक सॉन्ग के यार दोबारा ऐसा ना हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं यार जो पूरे पाकिस्तान, मतलब इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, पूरे इंडिया को पाल सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? इसने इसलिए बनाया कि यार लोगों में अभी भी, जैसे अभी भी लॉकडाउन होगा, मतलब बहुत सी मुश्किल है लोगों के घरों पर, यार खाना नहीं है, उन्होंने इस वजह से बनाया। बहुत अच्छा सॉन्ग, मुझे रिकमेंड किया। आप ज्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ ये करो कि मतलब ज़्यादा दूर जाओ नहीं, आप अपने आसपास देखोगे अगर कोई भूखा है। अब असली भूखा जो होता है ना, गरीब होता है जो, वो कभी मांगता नहीं है, सही है, वो प्रे करता है यार मेरे पास खुद आ जाए यार, बस से भूखा रह लेगा हफ्ता महीना जितने उसकी हिम्मत है, और वो किसी को बोलेगा नहीं कि यार मैंने तेरे ने खाना नहीं खाया। अब ये भी बेचारी बच्ची थी, किसी पता नहीं किस घर पे माँ बाप नहीं होंगे, क्या हुआ, वो बाहर निकली होगी खाने की तलाश में और वापस वो घर आते आते उसका काम हो गया भूख के मारे। सो मसले हो सकते हैं यार। बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग था, अच्छा लगा ये सॉन्ग मुझे। सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप दोबारा और से सुनना। मैं भी एक दो दफा और सुनूंगा यार, बहुत मतलब ऐसी लाइंस थी कि हार्ट टचिंग थी, दिल को वैसे जाके फील होगा। और बहुत से गरीब इस सॉन्ग को रिलेट भी कर सकते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये था हमारा रिएक्शन। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में बता देना, बताइएगा किस पे करें। और बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये सॉन्ग रेकमेंड किया था, नीचे कमेंट सेक्शन में। इसी तरह आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। और मतलब अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट मिला है माशाल्लाह से, और थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।